बीजेपी की सरकार आते ही कहीं थानों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है तो कहीं सरकारी इमारतों को। लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में भगवा रंग चाहने वालों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को ही भगवा रंग में रंग दिया। भगवा की गई गांधी जी की मूर्ति पिछले 20 सालों से सफ़ेद रंग में रंगी हुई थी। इस मामले में कांग्रेस ने भगवा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मूर्तियों को भगवा करने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। मामला थाना बंडा के ढका घनश्यामपुर गांव का है, जहां ग्राम सभा की जमीन पर 20 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सफ़ेद कपड़े पहनने वाले गांधी जी की प्रतिमाएं भी सफ़ेद रंग में ही रंगी जाती हैं, लेकिन 20 साल के बाद अचानक ही इस गांव में रातों रात गांधी जी की प्रतिमा को भगवा रंग में रंग दिया गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि यहां मूर्ति सफ़ेद कपड़ों में नहीं बल्कि भगवादारी कपड़ों में नजर आ रही थी। जिला प्रशासन अब इस मामले में जाँच की बात कह रहा है। देखिए, इसमें अभी ये मामला संज्ञान में आया है और इसमें हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच करा के जो भी यथोचित कार्रवाई है वो इसका में कार्रवाई की जाएगी।